उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मिहपुरवा मोतीपुर रेंज की ग्राम सभा खड़िया में अचानक हाथियों का झुंड आया और कई काश्तकारों की फसल चौपट कर दी। जब ग्रामवासियों को हाथियों के झुंड का पता चला तो ग्रामवासी लाठी डंडा थाली टार्च के सहारे हाथियों को भगाने में कामयाब तो हुए, लेकिन उनकी फसल हाथियों ने बर्बाद कर दी। मैं दस्तक 24 से अनिल कुमार मौर्य, जिला बहराइच, चीफ ब्यूरो। रात में अचानक हाथियों को झुंड ने कई कष्टकारों का गन्ना परेशान और बर्बाद कर दिया। ये देखिए, ये पूरे गन्ने हैं, ये सारे गन्ने हैं, ये पूरे ऐसे देखिए, सब पूरे बर्बाद कर दिए ये गन्ने। और भी काफ़ी, ये पूरी एक एक एकड़ सब गन्ने, ये देखिए। और ये देखिए, इनका गोबर है जो गाय, और ये सारे जितने भी गन्ने हैं, ये लमसम कम से कम आधा एकड़ के लपेट में गन्ना है जो कष्टकारों का बर्बाद हो गया। और काफ़ी कई लोगों का, कई खेतों का नुकसान किया है, जैसे कि परसन भाई है, सुनील मौर्या है, और काफ़ी लोगों का ये गन्ने का जो है, ये देखिए, ये गन्ना, ये पूरे गन्ने, ये सब तोड़े फोड़े पूरा, ये उन लोगों का झुंड कम से कम 15-20 में रात में आए, और काफ़ी खेतों को नुकसान। और ये महामारी में वन विभाग के अभी तक कोई अधिकारी इस निरीक्षण के लिए अभी तक नहीं आया। खबर के मुताबिक कई काश्तकारों का गन्ना बर्बाद हुआ है। हाथियों का झुंड मुख्य रास्ता भ्यूरा ग्राम सभा से होते हुए चोर घटिया पुल के रास्ते आया। किसान भाई काफी समय तक हाथियों को भगाते रहे। किसानों का कहना है कि वनकर्मियों को फोन किया गया तो वनकर्मियों ने फोन नहीं उठाया, जिसका नतीजा रहा कि कोई भी वनकर्मी समय पर नहीं पहुंचा और फसल से हाथ धो बैठना पड़ा। आप देख रहे थे बहराइच से अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट।